क्या बॉलीवुड की किसी मूवी को देखकर आपको कभी ऐसा लगा है कि वाह क्या मूवी है, बहुत तगड़ा चांस है कि वो किसी हॉलीवुड मूवी की कॉपी ही होगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर वीडियो पे 600 लाइक्स आ गए तो यार पार्ट टू बनाएंगे। भाई 600 लाइक्स तो तुमने 8 घंटों में दे दिए थे, तो ठीक है भाई आज पार्ट टू देखते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबके फेवरेट सल्लू भाई की मूवीज के साथ। अब यार तुम सलमान खान की कोई भी मूवी उठा लो, 80-90% चांस है कि वो किसी ना किसी हॉलीवुड मूवी की कॉपी ही होगी। Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. यही भाई, मतलब तुमने देखा कॉपी नहीं किया उन्होंने, यहाँ पे ये रुमाल उड़ा के उसको डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पे सल्लू भाई ने खून से डिस्ट्रैक्ट करा। सल्लू भाई गॉट दैट स्वैग। Discombobulate. Dazed. Will attempt wild haymaker. Employ elbow block and body shot. ये जो तुमने सीन देखा ये है 2004 में रिलीज हुई शेरलॉक नाम की एक मूवी का। अब भाई इन्होंने यहाँ पर साथ साथ बैकग्राउंड में ये भी समझाया कि तुम्हें कौन से स्टेप में क्या करना है। तो भाई दबंग वालों ने बोला जब स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल रहा है तो खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्यों बनाए। He'll kick the diaphragm. In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked. ओए होए 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 होए, ये जो ट्रैक्टर डाल के इन्होंने अलग ही कर दिया ना पूरा सीन, कोई कह ही नहीं सकता कि ये कॉपीड है। अब एक होता है किसी मूवी से इंस्पायर होके उसका एक दो सीन उठा लेना अपनी मूवी में डाल लेना, साले दबंग वालों ने तो इधर उधर से 3-4 सीन्स उठा उठू के उस पे मूवी बना डाली। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गुंडों ने हमारे हीरोज को पकड़ा हुआ है और ये दोनों ही एकदम स्लाइड मारते हुए, लेकिन सल्लू भाई की जो लेफ्ट में स्लाइड है ये काफी लंबी स्लाइड है क्योंकि सल्लू भाई में ज्यादा स्वैग है और ये रोल किए और अपने ऊपर तेल डाला है। लेफ्ट में तेल रेड है, राइट में तेल ब्लैक है, कॉपी नहीं की गई है। एक बार फिर से आपको लग रहा होगा कि सेम सा सीन है, एक गुंडा स्लाइड करते हुए आता है और ये हीरो लातों से रोकता है, लेकिन लेफ्ट में जो है वो हीरो हमारा एकदम साइलेंट हीरो है, लेकिन राइट में सल्लू भाई में स्वैग है, हाय बाय स्वैग लेवल 100। खैर आगे बढ़ते हुए तो मैं तुम्हें जो नेक्स्ट मूवी दिखाने वाला हूं ना, इट विल प्रोबेबली गो डाउन एज द बेस्ट मूवी इन इंडियन हिस्ट्री, नो डाउट। और इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला भाई, मेरी कोई विचारधारा नहीं है क्योंकि भाई हेटर्स मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि ये कॉपी है या नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली के काफी सारे सीन्स ना अवेंजर्स से उठाए गए हैं। मैं कह नहीं रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है। यकीन नहीं आ रहा तो एक और सीन देख लो भाई। अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास और भी सीन्स है, कोई टेंशन नहीं है, ये देखो।
इट्स ओके, अगर तुम अभी भी नहीं मानने को तैयार तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं भी नहीं मानने को तैयार। बाहुबली कैसे किसी की कॉपी हो सकती है भाई, ये तो बेस्ट मूवी एवर है। आगे बढ़ते हैं भाई, बाहुबली बाहुबली मैं नहीं कर रहा। पिछली वीडियो में जैसे 3 Idiots थी ना भाई, उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते थे, इस वीडियो में बाहुबली के बारे में मैं नहीं बुरा बोल सकता। तो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट वीडियो और देख लेते हैं भाई। ये है धमाल, 2007 में रिलीज हुई धमाल, एज इट इज पूरी मूवी कॉपी पेल रखी है ये तो। सिर्फ मड़गाड़ी गया ना, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को बिल्कुल कॉपी नहीं की गई है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं गाड़ी लंबी है, राइट में ब्लू कलर की विंटेज कार है, ये लेफ्ट में लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, राइट में राइट साइड से जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेम्स उल्टे कर दिए गए हैं, 180 डिग्री रोटेशन कर दी गई है ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम का कोई इशू ना हो यूट्यूब पर जैसे होता है। यार बस यार इससे ज्यादा ना होगा मेरे से। तो अगर यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, करो ना सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।